वेलकम टू एवरीवन। इस वीडियो में हम ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम दो वीडियो में हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वो दोनों रेक्टिफायर किस तरह से इनपुट देने पर आउटपुट प्रदान करते हैं और उनमें से कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। लेकिन ये ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, सेतु दृष्टिकारी क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम वापस रेक्टिफायर के बारे में समझते हैं, फिर ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रेक्टिफिकेशन, द प्रोसेस इन विच अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज कन्वर्टेड इंटू डायरेक्ट वोल्टेज इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। वह प्रक्रिया जिसमें प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में परिवर्तित करते हैं, दिष्टकरण कहलाता है। रेक्टिफायर जो है क्या करता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। कहीं जगह हमको डायरेक्ट वोल्टेज की आवश्यकता होती है, डीसी वोल्टेज की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें केवल अल्टरनेटिंग वोल्टेज एसी वोल्टेज ही उपलब्ध होता है, तो रेक्टिफायर का यूज़ करके हम एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि रेक्टिफायर जो होता है वो दो तरह का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। इसमें डायोड का उपयोग करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। उसकी जो यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, एक दिशीय गुणधर्म, क्या होता है ये एक दिशीय गुणधर्म, जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो उसकी बायसिंग दो तरीके से कर सकते हैं, एक फॉरवर्ड बायसिंग और एक रिवर्स बायसिंग, अग्र बायस और पश्चिम बायस। जब उसे फॉरवर्ड बायस करते हैं तो उस स्थिति में उसका जो रेजिस्टेंस होता है नेग्लिजिबल होता है और उसमें से अधिकतम धारा प्रवाहित होती है, यानी उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि उसमें से धारा प्रवाहित होती है और डायोड कंडक्ट करता है, चालन करता है। लेकिन जब डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में होता है, पश्च बायसित अवस्था में, तब वो नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होता है, अचालन की स्थिति में, क्योंकि उस समय उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, तो लगभग नगण्य धारा प्रवाहित होती, नेग्लिजिबल करंट फ्लो होती है। तो यानी एक डायरेक्शन में वो चालन करता है, दूसरी डायरेक्शन में वो चालन नहीं करता, यानी एक स्थिति में उसमें करंट फ्लो होता है और एक स्थिति में करंट फ्लो नहीं होता। तो ये यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी का हम उपयोग करते हैं रेक्टिफायर के अंदर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड का उपयोग किया जाता है और फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड का उपयोग किया जाता है। अब ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, सेतु दृष्टिकारी क्या होता है। मेन जो रेक्टिफायर होते हैं वो तो हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर होते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता कहाँ हुई ब्रिज रेक्टिफायर की। यह भी एक तरीके से फुल वेव रेक्टिफायर की तरह ही वर्क करता है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज होता है। देर आर टू मेन ड्रॉबैक्स ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता है उसके अंदर दो ड्रॉबैक्स होते हैं। क्या होते हैं, द साइज ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर इज लार्ज बिकॉज ऑफ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, यानी उसके अंदर मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। उसके जो सेकेंडरी कोयल होती है उसका जो सेंटर होता है उससे भी हम आरएल को जोड़ते हैं, जो लोड रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण ट्रांजिस्टर का जो रेक्टिफायर का जो है आकार है वो बढ़ जाता है। ट्रांसफार्मर बड़ा होने से रेक्टिफायर का आकार ज़्यादा होता है, जिससे वो मैनेजेबल नहीं होता है, इसलिए ये उसका एक दोष है। दूसरा, इट्स पीक इनवर्स वोल्टेज इज डबल ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज। उसके अंदर प्रतिप शिखर वोल्टता जो होती है निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता के शिखर मान के दुगने के बराबर होती है, यानी 2 EM होती है। यानी हम जो डायोड और कैपेसिटर इसमें जो यूज़ करते हैं, कैपेसिटर कहाँ यूज़ करते हैं,
फिल्टर्स का जब हम यूज़ करते हैं। अब फिल्टर का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि जो फुल वेव रेक्टिफायर है या हाफ वेव रेक्टिफायर है, ये सारे एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं कर पाता, तो डीसी के साथ कुछ एसी का भाग भी रह जाता है। तो उस एसी के भाग को रिमूव करने के लिए, कम करने के लिए हमें फिल्टर्स का उपयोग करना पड़ता है। वो फिल्टर्स कैपेसिटर और इंडक्टेंसेस से मिलकर बनते हैं। तो हमें जो कैपेसिटर उसके अंदर फिर यूज़ करने पड़ेंगे, जो डायोड यूज़ करने पड़ेंगे, उनकी जो रेटेड वैल्यू है 2 EM होनी चाहिए, यानी उसमें ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वो 2 EM तक की वोल्टता को सहन कर सके। सहन करने का मतलब क्या है कि इस वोल्टेज के होने पर भी उसके अंदर ब्रेकडाउन ना हो, टूटन ना हो, क्योंकि जब डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में होता है तब उस स्थिति में उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा फुल वेव रेक्टिफायर में वो 2 EM होता है, तो उस कंडीशन में उसमें ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा रेटेड वैल्यू वाला डायोड या कैपेसिटर का हमें उपयोग करना पड़ता है, तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। तो टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक्स एंड अनदर फुल वेव रेक्टिफायर कैन बी यूज विच इज नोन एज ब्रिज रेक्टिफायर, यानी एक अन्य पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का उपयोग करते हैं जिसे सेतु दृष्टिकारी कहते हैं। क्या होता है ये सेतु दृष्टिकारी? इसका सर्किट डायग्राम यहाँ बना हुआ है, परिपथ आरेख। द ब्रिज रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ 4 आइडेंटिकल पीएन जंक्शन डायोड्स विच आर अरेंज इन ए व्हीट स्टोन ब्रिज अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर। ये चित्र में दर्शाया गया है कि इसमें 4 सर्वसम पीएन संधि डायोड होते हैं जो व्हीट स्टोन सेतु के अनुसार व्यवस्थित होते हैं, D1, D2, D3 और D4। एट पी एंड क्यू जंक्शंस, पी और क्यू जंक्शन पर द टू एंड्स ऑफ द सेकेंडरी कोयल ऑफ द ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड, यानी सेकेंडरी कोयल के जो दोनों एंड्स हैं, जो दोनों सिरे उसको कनेक्ट कर देते हैं, एंड ए लोड रेजिस्टेंस RL इज कनेक्टेड इन बिटवीन द जंक्शंस ए एंड सी, यानी जंक्शन ए और सी के बीच लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, जिसके अक्रॉस हमें पल्सेटिंग आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज VI इज इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड एट द प्राइमरी कोयल ऑफ द ट्रांसफार्मर, यानी ये जो प्राइमरी कोयल है इसके अक्रॉस हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज VI इज इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी अप्लाई करते हैं, जिसको हमें DC में कन्वर्ट करना है, जो हमें RL के अक्रॉस प्राप्त होगा। यहाँ जो दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल्स है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स, घेरों की संख्या बराबर है, तो जो वोल्टेज इसके अक्रॉस अप्लाई करते हैं उतना का उतना वोल्टेज हमें सेकेंडरी कोयल के अक्रॉस प्राप्त होता है। अब यहाँ सेंटर टैपिंग का यूज़ नहीं कर रहे हैं, मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका आकार साइज जो है वो फुल वेव रेक्टिफायर की तुलना में छोटी होती है। अब इसकी वर्किंग कैसे होगी, कार्य प्रणाली कैसे होगी? फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल द पोटेंशियल ऑफ पी इज पॉजिटिव एंड पोटेंशियल ऑफ क्यू इज नेगेटिव। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, तो पी पर पॉजिटिव होगा और क्यू पर नेगेटिव होगा। देन इन दिस कंडीशन द डायोड्स D1 एंड D3 गेट फॉरवर्ड बायस्ड एंड डायोड्स D2 एंड D4 गेट रिवर्स्ड बायस्ड। तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव होने पर इसके पी पर पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होने पर इसके एन पर नेगेटिव होगा। तो डायोड D1 और D3 फॉरवर्ड बायस्ड होंगे और D2 और D4 रिवर्स्ड बायस्ड होंगे। देयरफॉर द डायोड D1 एंड D3 विल बी इन कंडक्टिंग स्टेट एंड करंट फ्लोज अलोंग द पाथ PABCQ। तो ये कंडक्टिंग स्टेट में होंगे और D2 और D4 नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होंगे। तो करंट फ्लो होगा किस डायरेक्शन में होगा? PA, फिर
फिर आरएल से होते हुए बी सी क्यू और इस सेकेंडरी कॉइल होते में से होते हुए वापस पी, तो ये जो होगा करंट फ्लो इस पाथ के अनुदिश होगा, यानी आरएल के अंदर जो करंट फ्लो होगा अलोंग एबी, एबी के अनुदिश फ्लो होगा। फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल द पोटेंशियल ऑफ क्यू इज पॉजिटिव। नेगेटिव हाफ साइकिल में यहां नेगेटिव होगा और यहां पॉजिटिव होगा, यानी क्यू पर पॉजिटिव होगा और पी पर नेगेटिव होगा, एंड द पोटेंशियल ऑफ पी इज नेगेटिव। देन इन दिस कंडीशन द डायोड्स D2 एंड D4 गेट फॉरवर्ड बायस्ड एंड द डायोड्स D1 एंड D3 गेट रिवर्स बायस्ड। अब उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, D1 और D3 रिवर्स बायस्ड हो जाएंगे, D2 और D4 फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएंगे। Therefore, the diodes D2 and D4 will be in conducting state and current flows along the path QAB CP. तो D2 और D4 कंडक्टिंग स्टेट में होंगे तो करंट फ्लो होगा QAB CP वापस Q, तो ये इन दोनों में करंट फ्लो होगा और D1 और D3 जो होंगे वो नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होंगे, इस स्थिति में इसके अक्रॉस करंट फ्लो नहीं होगा। यहां पर भी करंट AB की डायरेक्शन में होगा, यानी सेम डायरेक्शन में। दस द करंट फॉर बोथ द हाफ साइकिल्स ऑफ द इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज द करंट फ्लोज अलोंग द सेम डायरेक्शन AB थ्रू लोड रेजिस्टेंस RL, यानी दोनों ही अर्ध चक्रों के लिए किसके निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता के दोनों ही अर्ध चक्रों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है आरएल के अंदर एबी के अनुदिश। दी वे फॉर्म ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस आर शाउन इन फिगर। फिगर में इनपुट और आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म तरंगाकृति दिखाई गई है। ये जो है इनपुट वोल्टेज जो साइन वेव के रूप में है VI इजिकल टू EM साइन ओमेगा टी। ये जब डायोड D1 और D3 कंडक्ट करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में तब आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है, या जब डायोड D2 और D4 कंडक्ट करते हैं उस समय आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है, और जो टोटल वोल्टेज होगा इन दोनों का सम हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें जिस प्रकार फुल वेव रेक्टिफायर में वोल्टेज प्राप्त होता है उसी प्रकार ब्रिज रेक्टिफायर में आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है। लेट आर एफ बी द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन एंड आर एस बी द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी कोइल ऑफ द ट्रांसफार्मर। यानी जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है तब उसका रेजिस्टेंस आर एफ है, चारों जो डायोड है वो आइडेंटिकल है तो सभी का रेजिस्टेंस सेम होगा। तो दो डायोड एक बार कंडक्ट करते हैं एक साइकिल में तो दो डायोड का रेजिस्टेंस आर एफ और आर एफ, यानी टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा उनका 2 RF, और आर एस जो होगा वो सेकेंडरी कोयल का रेजिस्टेंस है और आर एल हमने लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है, तो टोटल रेजिस्टेंस होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल में वो होगा आर एल प्लस 2 RF प्लस आर एस। तो इन पॉजिटिव हाफ साइकिल व्हेन 0 < t < t/2 I1 विल बी इक्वल टू VS अपॉन दिस। VS का मान VI के बराबर होगा, VS का मतलब सेकेंडरी कोइल के अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो VI के बराबर होगा EM साइन ओमेगा टी। 2 RF प्लस RS को हमने यहाँ R ले लिया तो I1 इजिकल टू IM साइन ओमेगा टी, जहाँ IM ये है, और उस समय D2 और D4 नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होंगे तो उनके कारण करंट जीरो होगा। इन दी नेगेटिव हाफ साइकिल t/2 < t < t I2 विल बी दिस। अब इसमें क्योंकि 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाता है पाई का, इसलिए माइनस में आ जाएगा, माइनस EM साइन ओमेगा टी, यानी EM साइन ओमेगा टी प्लस पाई, पाई का फेज डिफरेंस हो जाएगा तो साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, इसलिए माइनस आ गया। इस स्थिति में D1 और D3 में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो I1 विल बी इक्वल टू जीरो। The main drawback of the bridge rectifier is that the two diodes are in series during the conduction of diodes, due to which the potential difference across the resistance of the diodes become more and lower output voltage is obtained in comparison to a full wave rectifier having the same input voltage.
अब हम फुल वेव रेक्टिफायर से इसकी तुलना करें। मान लेते हैं कि दोनों में सेम इनपुट वोल्टेज दिया है, इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो इसके अंदर ब्रिज रेक्टिफायर में दो डायोड एक साथ कंडक्ट कर रहे हैं, यानी उनके कारण उनका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 2RF होता है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में एक रेजिस्टेंस, एक डायोड का रेजिस्टेंस ही इसके अंदर उपयोग में लिया जाता है। तो ब्रिज रेक्टिफायर में 2RF ले रहे हैं और फुल वेव रेक्टिफायर में RF ले रहे हैं, तो जो वोल्टेज प्राप्त होगा आउटपुट में वो उसके अंदर जो I इंटू आर एल लेंगे तो I का मान वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होगा, तो जो रेजिस्टेंस होगा उसमें 2RF आएगा और फुल वेव रेक्टिफायर में केवल RF आता है। तो ब्रिज रेक्टिफायर में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है जिससे धारा का मान कम हो जाता है, तो इसके कारण जो वोल्टेज प्राप्त होता है उसका मान भी कम हो जाता है RL के अक्रॉस। तो फुल वेव रेक्टिफायर की तुलना में ब्रिज रेक्टिफायर में जो आउटपुट वोल्टेज है उसका मान कम हो जाता है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। ऑल्सो दिस रेक्टिफायर हैज ए स्मॉलर एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी भी उस फुल वेव रेक्टिफायर की तुलना में कम होती है, एंड वोल्टेज रेगुलेशन इज ऑल्सो नॉट सो गुड, और वोल्टा नियमन भी इतना अच्छा नहीं होता जितना फुल वेव रेक्टिफायर का होता है, तो इसमें भी कुछ दोष है लेकिन कुछ लाभ भी है। The main advantage of ब्रिज rectifier is that it does not require a center tap transformer, यानी center tap transformer की आवश्यकता नहीं पड़ती like a full wave rectifier, जैसा full wave rectifier में हमें पड़ती है जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है। Also the peak inverse voltage of diodes used in ब्रिज rectifier is equal to EM, यानी इसके अंदर जो peak inverse voltage है वो 2 EM नहीं होता जैसा कि full wave rectifier में होता है, तो इसके अंदर जो इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो पिक वैल्यू है, शिखर मान ई एम, उसके बराबर ही होता है। तो हम ऐसे डायोड का उपयोग इसमें कर सकते हैं जो ई एम वोल्टेज को सहन कर सके। द पिक वैल्यू ऑफ इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज वेर इज द पिक इनवर्स वोल्टेज ऑफ डायोड्स इन फुल वेव रेक्टिफायर इज 2M, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो 2 EM की बराबर होता है, तो उनको ये वोल्टेज वहाँ सहन करना पड़ेगा 2 EM, इसमें EM वोल्टेज ही सहन करना पड़ता है, तो वहाँ ब्रेकडाउन होने की संभावना ज़्यादा होती है, यहाँ ब्रेकडाउन होने की संभावना कम होती है। थैंक यू।